भाई आज हम करेंगे नाश्ता जल्दी जल्दी, क्योंकि आज है जुम्मा मुबारक, आप सबको भी जुम्मा मुबारक हो। तो टाइम ज़्यादा हो गया है, टाइम हो रहा है 12 से भी ऊपर, तो नमाज का भी टाइम है, नमाज के लिए तैयारी भी करनी होगी, सब कुछ करना होगा, जिसके लिए टाइम नहीं है। तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ नाश्ता करने, तो मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो वेलकम टू माई अदर व्लॉग। नाश्ता कर लिया है क्योंकि मैं आज जुम्मा था, तो मैंने कुछ डायरेक्ट जाके मैं नाश्ता वाश्ता कर लिया पहले। अब मैं आ गया हूँ, अब हम तैयारी करेंगे नमाज की। तो कपड़े प्रेस करने, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, नहाने धोने के बाद फिर हम जाएंगे मस्जिद नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद जब आएंगे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हमने जाना है मजार शरीफ का, हाजिरी देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे मजार शरीफ, तो वहाँ पे जाके हाजिरी देंगे और दुआ वगैरह भी करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद, मैं नहा लें धो लूँ थोड़ा सा और नमाज की तैयारी करें। और भाई मैं नमाज़ पढ़ने के लिए हो गया हूँ रेडी, नहा धो के रेडी हो गया हूँ। तो अब नमाज़ का टाइम हो गया है, नमाज़ के टाइम बिल्कुल 5 मिनट बाकी हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता के मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं, तो फिर आपको मैं लेके चलूँगा मज़ार पर हाज़िरी के लिए, और मज़ार पर हाज़िरी देंगे और दुआ वगैरह करेंगे। तो मिलते हैं नमाज़ के बाद, अल्लाह हाफ़िज़। 15 मिनट्स लेटर। नमाज़ पढ़ कर आ चुके हैं, नमाज में देर हो गई थी जिस वजह से मैं भाग भाग के गया, इस वजह से ब्लॉग नहीं बना सका रास्ते का। अब नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, तो अभी ना समझ जो बड़े भाई आ चुके हैं यहाँ पे, हम नीचे इंतज़ार कर रहे हैं घर के बादशाह भाई का। जैसे ही वो आएंगे तो फिर हम जाएंगे मज़ार पे हाज़िरी देने, आप लोगों को भी साथ लेके जाएंगे। तो फिर जब तक बादशाह भाई आ रहे हैं तब तक वेट करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं मज़ार पे हाज़िरी देने। 1 hour 30 minutes later। तो भाई यहाँ बादशाह भाई को वेट करते करते टाइम हो गया है 4:45, तो 4:45 मतलब पूरा 1.5 घंटा वेट किया नीचे बैठ के, लेकिन वो नहीं आए। तो इसलिए आपका जो मज़ार की हाज़िरी है, हमारी जो मज़ार की हाज़िरी, वो मिस ना हो जाए, इसलिए हम जा रहे हैं मज़ार की तरफ। मैं और ना समझ जो मेरा फ्रेंड, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं मज़ार की तरफ, क्योंकि अब बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, तो बारिश तेज ना हो जाए, मज़ार का जो ये व्यू है आपके लिए, जो मज़ार पर लेके जाना था आप लोगों को भी खुद भी आना था, वो मिस ना हो जाए, इसलिए अब हम चलते हैं मज़ार की तरफ। तो चलते हैं, सही है, आप लोगों को मज़ार लेके चलते हैं। ये हम आ चुके मज़ार शरीफ पे, ये जो है ये शिफा का पानी है, यहाँ से लोग पानी पीते हैं, और ये जो है ज़िंदा पीर वाले जो बाबा हैं, ये उनकी सवारी थी, ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है सवारी ज़िंदा पीर। तो ये जो सवारी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ज़िंदा पीर सवारी है, ये जो ज़िंदा पीर वाली सरकार थे वो इस पर सवारी किया करते थे, जो उनकी गद्दी है बैठक जहाँ पर वो बैठा करते थे, ये वो जगह बैठक लिखा हुआ होगा, और ये इनकी तस्वीर है ये। हम चलते हैं मज़ार के अंदर। यहाँ पहले अंदर जो कब्रें हैं वो आपको दिखाते हैं, ये माँ जी की कब्र है शायद, मरकज़ तजल्लियात माँ जी रहमतुल्लाह ताला, इनकी माँ जी की कब्र है। तो ये अंदर की साइड बनी हुई है बाहर, और ये जो आप कब्रें देख रहे हैं ये बच्चों की हैं, तो जो पैदा होते ही अफात आ गए थे, तो उनकी यहाँ पे कब्रें हैं। और ये हैं जिंदा पीर, एक मिनट आपको मैं पीर दिखाता हूँ, जूना महमूद शाह बुखारी सफ़ेद जिंदा पीर। सैयदना पीर शाह मर्दान अली शाह मारूफ पीर जी सरकार साबरी, ये दो कब्रें हैं यहाँ पर, ये आपको पीछे से दिखाता हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा मज़ार मुबारक है, और जो ऊपर आप देख रहे हैं गुंबद जो है, तो मज़ार पे थोड़ी सी हाजिरी देकर फिर दुआ करते हैं। खता का सजावार हूँ मैं,
मुझकर जला दो, पर निकालोगे जमीन है। तो हमने हाजिरी दे दी है मजार शरीफ पर, अब हमने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया, दुआ भी मांग ली, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। ये भी तस्वीर लगी हुई है उनकी, और ये शायद उनकी बेटा वगैरह थी क्या है, ये बंद है, अगर खुली होती तो ज़रूर आपको दिखाते। अब चलते हैं हम घर की तरफ। तो भाई जैसा कि आपने देख लिया, हमने मदार चाली दे दी है, अब हम घर पे आ चुके हैं। तो अब टाइम हो रहा है 5:05 हो रहे हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ घर। घर जाके मैं खाऊंगा खाना, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह बस नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद कुछ भी नहीं खाया पिया मैंने, और उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया था, भागते भागते नमाज़ पढ़ी है, जाके नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद रो रहा बहुत सारा वेट किया अपने दोस्त बादशाह भाई का, वो नहीं आ सके किसी प्रॉब्लम की वजह से, जिस वजह से हम दोनों आपको लेके मदार चले गए थे। अब वहाँ से वापसी आ चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ घर। घर जाके मैं खाऊंगा खाना, खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं छत पर। आ जाओ भाई, खाना मैंने खा लिया। खाना खाने के बाद अब आ चुके छत पर। छत पर आप देख सकते हैं ये धूप भी है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश वारिश हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब बादल चले गए वो वाले। तो गाइस आपका भाई आ गया फिर अपने वाले रूप में दोबारा, तो हम आ गए छत के ऊपर। तो मैं आपको दिखा दूँ कबूतर, वो देखें, ये जो हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं उनके हैं कबूतर। ये कबूतरों की खासियत है कि भाई वो उड़ते नहीं है, जब भी आप उनको बुलाओगे वापस वापसी अपने जगह पे आ जाते हैं, वापसी अपने घर में अपने खुदे में जाके रहते हैं। तो इसी तरह आपने भी मेरे सारे सब्सक्राइबर में भी अभी ऐसे ही रहना, कहीं जाने वाली ज़रूरत नहीं है, इधर ही मेरे पास ही रहना, आपको इंशाल्लाह यहीं पर इंजॉयमेंट कराएंगे सर। शाम के 7:00 हो रहे हैं 25 मिनट, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर जाता हूँ, उससे पहले मैं आपको शाम का अपनी छत से जो व्यू दिखता है वो दिखा देता हूँ। तो व्यू आपने देख लिया, मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, मौसम बादल भी आया, शाम को भी जब हम बाजार में जा रहे थे तो बारिश भी हो रही थी। तो व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को यहीं कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाला न्यू व्लॉग आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।